पचमौली पुलिस थाना अंतर्गत एक बाइक चोरी का मामला उजागर हुआ है, जहां एक नाबालिग ने नाई तालाब के पास पार्क की हुई बाइक चुरा ली, लेकिन पुलिस की सजगता से आरोपी को पकड़ा गया है। 14 जनवरी को फिरियादी 34 वर्षीय मनोज पाठनकर, जो पचमौली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाली भारत नगर का निवासी है, लगभग 1:30 बजे के करीब किसी निजी काम से नाई तालाब क्षेत्र में स्थित मराठा चौक में आया और काम करने के उद्देश्य से वहां अपनी बाइक पार्क कर दी, लेकिन जब वह वापस आया तो बाइक ठिकाने से गायब थी, जिसके चलते फरियादी ने पचमौली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद संज्ञान लेते हुए पुलिस ने बांग्लादेश खाटिकपुरा क्षेत्र से आरोपी को पकड़ा है। गौरतलब है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई 16 वर्षीय नाबालिग बांग्लादेश संभाग में किसी चोरी की बाइक से घूम रहा है, जिसके चलते फरियादी की एक्टिवा नाबालिग से जब्त की गई तो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने पूरे मामले के विषय में बताया। दिनांक 14/1/2024 ला फिरेदी मनोज पाठनकर यांनी पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दिला की नाईक तलाव मराठा चौक इथे त्यांनी त्यांची ॲक्टिवा गाडी पार्क केली होती, ती कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने चोरून नेली। त्यावरून पोलीस स्टेशन पाचपावली येथे अपराध क्रमांक 35/24 कलम 379 गुन्हा दाखल करण्यात आला। सदर गुन्ह्याचा तपास पाचपावली पोलीस स्टेशन गुन्हे शोध पथक शोध घेत असताना त्यांना गुप्त बातमी मिळाली की एक विधी संघर्ष बालक यांनी सदरची मोटरसायकल ही चोरी केलेली आहे। विधी संघर्ष बालकाच्या ताब्यातून वय वर्ष 16 याच्या ताब्यातून मोपेड ॲक्टिवा रंगाची ॲक्टिवा गाडी जप्त केलेली आहे, ती पोलीस स्टेशन जमा करण्यात आली आहे। सदरचा गुन्ह्याचा तपास हा पोलीस स्टेशन पाचपावली वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक माननीय वैभव जाधव साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली API प्रवीण सोमवंशी, API प्रमोद सोनवणे, गुन्हे शोध पथक पोलीस हेड कॉन्स्टेबल ज्ञानेश्वर भोंगे, इम्रान शेख, रमेश मेनेवार, संतोष चेंद्रे, गगन यादव, राहुल चिकटे यांनी केलेली। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टिमरे की रिपोर्ट।